यूपी चुनाव से पहले सीएम अखिलेश यादव ने एक और सख्त कदम उठाया है। अखिलेश ने आज दो मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। पहले उन्होंने यूपी के खनन मंत्री गायत्री प्रजापति को बर्खास्त किया, उसके कुछ देर बाद ही उन्होंने पंचायती राज मंत्री राजकिशोर सिंह को भी बर्खास्त कर दिया। हाईकोर्ट ने हाल ही में खनन घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। प्रजापति मुलायम सिंह यादव के काफी करीब समझे जाते हैं। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध खनन की सीबीआई से जांच कराने के आदेश दिए हुए हैं, जिसके बाद अखिलेश सरकार दबाव में आ गई थी। माना जा रहा है कि इसी के चलते राज्य सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल प्रदेश की नदियों में रेत के अवैध खनन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। अवैध खनन की सीबीआई जांच के बाद यूपी सरकार में हड़कंप मचा हुआ है और अब मुख्यमंत्री अखिलेश ने खनन मंत्री गायत्री प्रजापति को बर्खास्त कर दिया। यूपी में अवैध खनन की सीबीआई जांच रुकवाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी बेंच से अखिलेश सरकार को पहले ही झटका मिल चुका है। बता दें कि गायत्री प्रजापति अपनी कार्यशैली को लेकर पहले भी विवादों में रहे। पंजाब का सियासी पारा गरमाते हुए अरविंद केजरीवाल ने मोगा में किसान रैली की। लाखों की तादाद में लोग अरविंद केजरीवाल को सुनने के लिए पहुंचे। रैली में केजरीवाल पंजाब की सरकार पर जमकर हमला बोले। पंजाब में रैली करने के दौरान केजरीवाल ने पंजाब में किसान मैनिफेस्टो भी लॉन्च किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब की सरकार ने पूरे राज्य को नशे में ढकेल दिया है। उन्होंने कहा कि यहां की पीढ़ियों को बर्बाद किया जा रहा है। केजरीवाल ने निशाना साधते हुए कहा कि नशे में ढकेलने वालों पर केस किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि चुनाव के बाद वो मजीठिया पर भी केस करेंगे। सीडी कांड पर हमला बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि बादल और उनकी टीम ने मिलकर हमारे खिलाफ 63 फर्जी सीडी बनाई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पत्नी पायल अब्दुल्ला ने दिल्ली की अदालत में अर्जी दाखिल कर 15 लाख रुपए प्रति महीना गुजारा भत्ता देने की अपील की है। अदालत ने उमर अब्दुल्ला को पायल अब्दुल्ला की अर्जी पर नोटिस जारी कर 27 अक्टूबर तक अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखने को कहा है। पायल अब्दुल्ला ने अपनी अर्जी में कहा कि उमर ना तो अपनी पत्नी और ना ही बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, यहाँ तक कि उनके पास अब रहने के लिए इतना बड़ा घर भी नहीं है जहाँ वो उनके बच्चे और उनको मिली जेड कैटेगरी की सुरक्षा रख सके। इससे पहले दिल्ली की निचली अदालत ने उमर अब्दुल्ला की पत्नी पायल अब्दुल्ला से तलाक लेने की मांग वाली अर्जी को मानने से इनकार कर दिया था और तलाक देने से मना कर दिया था। गौरतलब है कि उमर और पायल पिछले कई सालों से साथ नहीं रह रहे हैं। खास बात यह है कि पायल ने यह अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के एक महीने बाद लगाई है, जिसके तहत उन्हें दिल्ली के अकबर रोड स्थित जम्मू कश्मीर के वीआईपी टाइप बंगले को खाली करना पड़ा है। सहारनपुर में रविवार को बसपा की चुनावी रैली में मायावती ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि मोदी सरकार आरएसएस के एजेंडे पर चलते हुए आरक्षण की समीक्षा कर उसे निष्प्रभावी करने के प्रयास में है। मायावती ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी ने गरीबों को कम दामों में राशन देने का वादा किया था, लेकिन इसके उलट उन्होंने गैस, पेट्रोल और रोजमर्रा की जरूरतों के सामानों को महंगा कर दिया है। जनता इस महंगाई की मार से त्रस्त आ चुकी है। मायावती ने कहा कि मोदी सिर्फ उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की सेवा में लगे हैं, क्योंकि वो इनकी ही वजह से केंद्र की सत्ता में आए हैं। यही वजह है कि वो इन पूंजीपतियों के बैंकों से लिए हजारों करोड़ों के कर्ज को माफ कर देते हैं। मायावती ने कहा कि मैं मोदी सरकार से पूछना चाहती हूं कि वो किसानों के बैंक से लिए गए कर्ज को क्यों माफ नहीं करते हैं। मामूली रकम के लिए किसान को इतना परेशान किया जाता है कि वो आत्महत्या कर लेता है। वीआईपी जिलों में 24 घंटे बिजली के लिए ग्राहकों को अतिरिक्त दाम चुकाने होंगे। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने जिलों में विद्युत सप्लाई के वक्त के मुताबिक दरें तय करने का फैसला लिया है। यह जानकारी आयोग के चेयरमैन देश दीपक वर्मा ने बरेली में दी। उन्होंने बताया कि किस जिले को कितना बिजली देनी है, यह हक पावर कारपोरेशन का है, लेकिन अब आयोग वीआईपी जिलों में बिजली के दाम वक्त के मुताबिक तय करेगा। उन्होंने कहा कि अगले टेरिफ ऑर्डर में नई दरें लागू हो जाएंगी। आयोग के चेयरमैन ने बताया कि प्रदेश में प्रीपेड मीटर की सहूलियत को भी जल्द लागू किया जाएगा। इसके मुताबिक अगले 20 सितंबर को पावर कारपोरेशन की सुनवाई होनी है। एक साल पहले प्रीपेड मीटर लगाने के हुक्म पर निगम के जरिए सॉफ्टवेयर में कमी का हवाला दे दिया गया था, लेकिन अब कमी दूर कर ली गई है और जल्द ही प्रीपेड मीटर की सहूलियत को प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। यूपी के मऊ जिले में बिजली विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। मामला मऊ जिले के सराय लखनसी थाना के फातिमा मोड़ का है, जहां नेशनल हाईवे 29 के किनारे लगे ट्रांसफार्मर में बिजली के खुले तार से एक महिला की मौत हो गई, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा देखा गया। लोगों ने नेशनल हाईवे को घंटों जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर लोगों को शांत कराया।
वहीं स्थानीय लोगों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। दरअसल नेशनल हाईवे के पास लगे ट्रांसफार्मर से कुछ दिन पहले से ही बिजली का तार गिर गया था, जिसको लेकर लोगों ने बिजली विभाग को सूचना भी दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके नतीजन सोमवार सुबह टहलने के लिए निकली बुजुर्ग महिला बिजली तार के चपेटे में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल बिजली विभाग इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। कानपुर के थाना बिठूर क्षेत्र में एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना बिठूर क्षेत्र के बगदौती गांव की है, जहां एक गत्ता फैक्ट्री में एक युवक को गोली मार देने की खबर आई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस अपनी डॉग स्क्वाड टीम के साथ पहुंची। जांच के दौरान पुलिस को एक 15 बोर के तमंचे के साथ एक कारतूस भी बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक घटना के वक्त वहां 5 लोग मौजूद थे। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई। पूरे देश में इन दिनों गणपति बप्पा की धूम मची हुई है। हर कोई अपने गणपति की सेवा में लगा हुआ है। सोमवार को गुजरात के आणंद जिले में 60 से ज्यादा गणपति विसर्जन जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में लोगों की खूब भीड़ देखी गई। हर कोई गणपति के रंग में रंगने के लिए झूम रहा था। ढोल नगाड़ों के साथ गणपति बप्पा को विदा किया गया। बता दें कि गुजरात के वल्लभ बिघा नगर में पिछले कई सालों से अलग अलग मंडलों द्वारा इको फ्रेंडली गणपति की मूर्तियां पूजन करके शोभा यात्रा के लिए निकाली जाती है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सोमवार सुबह एक बार फिर से मुठभेड़ शुरू हो गई है। सुबह होते ही लश्कर के आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने एक और आतंकी को ढेर कर दिया है। इससे पहले रविवार को एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मार गिराया गया था, जबकि मुठभेड़ में एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गया था। पुंछ में अल्लाहपीर इलाके में रविवार को सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और एक नागरिक घायल हो गया था। पुंछ के अलावा नौगाम सेक्टर में भी मुठभेड़ हुई, जिसमें घुसपैठ की कोशिश कर रहे 7 आतंकियों को सेना ने मार गिराया था। उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए थे। पुलिस के मुताबिक एक आतंकी पुंछ के मिनी सचिवालय और दूसरा एक स्थानीय नागरिक हाजी नाजिर हुसैन के घर में छिपा है। अभी ये साफ नहीं हुआ है कि इनमें से कितने आतंकियों को मार गिराया गया है। फिलहाल दोनों ओर से फायरिंग जारी है। गौरतलब है कि रविवार को मुठभेड़ में 6 लोगों के घायल होने की खबर थी। घायल हुए सब इंस्पेक्टर मंजूर अहमद और स्थानीय नागरिकों को अस्पताल पहुँचाया गया था। फायरिंग में पुलिस कांस्टेबल संदीप कुमार शहीद हो गए थे। बीते कुछ महीने में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आतंकियों से सेना की मुठभेड़ लगातार होती रहती है। रोशमिता हरिमूर्ति को रविवार को एक सौंदर्य प्रतियोगिता के दौरान मिस दीवा 2016 चुना गया। इस खिताब के साथ रोशमिता अगले साल होने वाले मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। बेंगलुरु की 22 वर्षीय सुंदरी रोशमिता ने 15 अन्य प्रतिभागियों को पछाड़ कर ये उपलब्धि हासिल की है। रोशमिता ने कहा कि उनकी जिंदगी में तमाम उतार चढ़ाव आए हैं और आज वह बहुत खुश महसूस कर रही हैं। मॉडल रोशमिता अभी अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के विषय से पढ़ाई कर रही हैं। उन्होंने जल्द ही मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के लिए तैयारी शुरू करने का वादा किया। रोशमिता ने कहा कि भारत ने लंबे समय से मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता नहीं जीती है और उन्होंने यह अंतराल तोड़ने का भरोसा जताया है। प्रतियोगिता में श्रीनिधि शेट्टी दूसरे पायदान पर रही, वहीं आराधना बुरागोहेन तीसरे स्थान पर रही। जजों के पैनल में पूर्व मिस यूनिवर्स लारा दत्ता, अर्जुन रामपाल, अभय देवल, अदिति राव और फैशन डिजाइनर गौरव गुप्ता भी मौजूद थे। लारा ने कहा कि यहां आई सभी लड़कियों ने जजों को काफी प्रभावित किया और उनको किसी एक को चुनना बेहद मुश्किल रहा।